जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक थ्योरम करते हैं क्लस्टर पॉइंट पे। पीछे हमने क्लस्टर पॉइंट पे कुछ एग्जांपल्स उसकी की थी कि कैसे किसी सेट के क्लस्टर पॉइंट फाइंड करते हैं। आज हम एक थ्योरम करते हैं थ्योरम क्या है कि नंबर सी बिलोंग टू आर इस क्लस्टर पॉइंट। हाफ ए सबसेट ए ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन इन ए such that limit of an is equal to c and an not equal to c for all n belong to n। हम अगर कोई a number है c, वो कब क्लस्टर पॉइंट होगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन इन ए सच दैट के ए एन जो है वो उस सी को कन्वर्ज करेगा। कोई ए एन हमारी क्या सीक्वेंस है, ए में से कोई सीक्वेंस होगी जो उस सी को कन्वर्ज करेगी। प्रूफ इसका करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं इफ एंड ओनली कंडीशन है। हम कहते हैं कि अगर क्लस्टर पॉइंट है, इफ C is a cluster point, of A, अगर C A का cluster point है, then हम क्या कहते हैं, for any n belong to n, फॉर एनी एन बिलोंग टू एन, हर एन के लिए। कि हमने कहा था कि हर डेल्टा के लिए कोई हम इंटरवल ड्रा करें तो सी के अलावा कोई ना कोई पॉइंट ए का आ जाएगा। तो हम कहते हैं द वन ओवर एन हर नेबरहुड वन ओवर एन, हर एन के लिए अगर हम कोई सी का नेबरहुड ड्रा करें तो कंटेनिंग एट लीस्ट वन पॉइंट ए एन इन ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम सी। यही डेफिनेशन है कि हर डेल्टा के लिए कोई हम इंटरवल ड्रा करें तो कम से कम एक पॉइंट सी के अलावा आना चाहिए। तो वही हमने लिखा, वन एन नेबरहुड ड्रा किया कंटेनिंग एट लीस्ट वन पॉइंट ए एन इन ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम सी, सी के अलावा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देन मैथमेटिकली ए एन बिलोंग टू ए एन नॉट इक्वल टू सी, सी के अलावा एंड क्या हो जाएगा, ए एन डेफिनेशन लेस देन वन ओवर एन, हर एन के लिए। ये क्या चीज़ है, ये डेल्टा है। हम कोई भी एन चूज़ करते हैं तो वो हमारा कोई डेल्टा बन जाता है। हर डेल्टा के लिए हमें कोई पॉइंट एक कोई एक पॉइंट हमें मिल जाएगा सी के अलावा, जिसका हम सी से डिफरेंस लेंगे तो वो उस डेल्टा से कम होगा। अगर ऐसा हो जाए हर डेल्टा के लिए तब हम कहते हैं कि सी क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। तो ये क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन क्या इम्प्लाई करती है कि जो ए एन है वो अप्रोच कर रही है सी को, मतलब लिमिट ए एन इज इक्वल टू सी, जो हमारी सीक्वेंस ए एन है वो सी को कन्वर्ज कर रही है। यही हमने कहा कि अगर क्लस्टर पॉइंट जो है सी कोई क्लस्टर पॉइंट है, कोई सीक्वेंस ए एन होगी जो सी को कन्वर्ज करेगी।
ये तो फर्स्ट साइड है। अब हम कन्वर्सली लेते हैं। कन्वर्सली हम क्या लेते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन इन ए सी के अलावा, ए में से अगर हम सी को निकाल दें, कोई हमारे पास सीक्वेंस है ए एन में विद लिमिट ए एन, कैसी सीक्वेंस है जो सी को कन्वर्ज कर रही है, कैसी सीक्वेंस है हमारे पास जो सी को कन्वर्ज कर रही है, देन फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर जीरो, अगर हम को डेल्टा लें ग्रेटर जीरो, देयर एग्जिस्ट के सच दैट इफ एन ग्रेटर आर इक्वल टू के देन ए एन कंटेनिंग डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, ये जो ए एन है कुछ के टर्म्स के अलावा बाद वाली सारे टर्म्स जो हैं वो इसके डेल्टा सी के डेल्टा नेबरहुड में आ जाएंगी, सी के डेल्टा नेबरहुड में आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि ए एन सी को कन्वर्ज करता है। तो यही हम कहते हैं कि हर डेल्टा के लिए हमें कोई पोजीशन मिल जाती है जिसके बाद वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस सी से लेस से इक्वल टू डेल्टा हो जाता है। क्या मतलब है कि बाद वाली जो सारी टर्म्स हैं वो सी के डेल्टा नेबरहुड में आ जाती हैं, देयरफॉर द डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी कंटेन द पॉइंट ए एन फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू के विच बिलोंग टू ए एंड डिस्टिंक्ट। From C implies C is cluster point. Conversely हमने लिया if there exists a sequence, अगर कोई सीक्वेंस A में पाई जाती है C को निकाल के with limit A n is equal to C, क्या मतलब कि वो सीक्वेंस C को converge कर रही है, वो सीक्वेंस C को converge कर रही है, then for any delta, अगर हम कोई भी delta लें, यहाँ पे हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखते हैं ना, कोई भी अगर हम डेल्टा लें तो कुछ के टर्म्स के बाद, कुछ के टर्म्स के बाद जो सारी की सारी टर्में हैं वो सी के डेल्टा नेबरहुड में आ जाती हैं, सी के डेल्टा नेबरहुड में आ जाती हैं क्योंकि वो सी को कन्वर्ज करती हैं, वो सारी टर्म्स का सम सी से अगर लें तो उस डेल्टा से लेसर हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि डेल्टा नेबरहुड में आ जाती हैं, देयरफॉर डेल्टा नेबरहुड, ये जो डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी है कंटेन द पॉइंट ए एन, ए एन के पॉइंट कंटेन करेगा फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू के, के के बाद वाले टर्म्स के जो पॉइंट हैं वो ये डेल्टा नेबरहुड कंटेन करेगा, विच टू ए जो ए में होगा, विच बिलोंग टू ए, क्योंकि ए एन में ए एन जो है वो सीक्वेंस है ए एन की तो वो भी ए एन में ही बिलोंग करेंगे, एंड डिस्टेंट फ्रॉम सी और सी से डिस्टिंक्ट होंगे, अगर सी से डिस्टिंक्ट होंगे, कोई हमने तो कहा एक, यहाँ तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तब हम कहते हैं कि सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट, हैंस प्रूव्ड।